हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब SR जंक्शन रस्तों की वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे पार्ट टू आगे के चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टू कुछ सेकंड थर्ड चैप्टर्स के बेसिक्स पढ़े थे। अब इसमें बेसिक्स पढ़ के जाइए तो इससे आप और आगे का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर का जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है x²bx + c, और a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस फर्स्ट वाला नंबर बी एक्स और सी की जगह ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी नंबर, यानी पहली टर्म ज़ीरो नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसमें कहते हैं रूट्स निकालने का क्वेश्चन आएगा। दो मेथड होते हैं, नाइन्थ क्लास वाला जैसे आपने करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी जाए, या फिर क्या होता है db² - 4ac करके एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, जो साथ बी होगा एक्स के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस 4 a c, x² के साथ जो नंबर है उसे a, और जो यहाँ नंबर होगा कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनता है b² - 4ac। इसके बेस पर आप तीन चीज़ें, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, सपोज़ करो जो भी सॉल्व करके आता है अगर वो जीरो आ गया तो इक्वेशन के पास दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, वो भी एक बराबर, यानी अगर आंसर आता है डी ज़ीरो, और फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे रूट्स निकालने का, ये x - b + √d जो भी वैल्यू आई है upon 2a x √b upon, ये है जैसे -b - √d upon 2a। बस फर्क क्या है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, बस। जैसे ही इसके दो आंसर निकलेंगे तो दोनों सेम निकलेंगे फर्स्ट कंडीशन में, अगर डी ज़ीरो है तो। अगर मान लो इसका आंसर 5 आ रहा है तो ये भी 5 आएगा, ये 1/3 आ रहा है तो ये भी 1/3 आएगा। डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आंसर आता है डी प्लस का आता है तो वो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दोनों रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग वैल्यू होंगी, जैसे 5 तो 8, 1/3 तो कुछ और। डी इज़ ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो तो उसमें नो रियल रूट्स लिखना है, उस इक्वेशन का कोई आंसर नहीं होगा, वो आगे की क्लासेस में होता है, यहाँ तक छोड़ देंगे। इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन ये भी आता है आपको कि इक्वेशन के खुद वो बोलेगा रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो आप उस k की वैल्यू बताओ। तो आपने सिर्फ क्या करना है, b² - 4ac = 0 लिख के उस इक्वेशन में से सारी वैल्यू पुट कर देनी है, जो k आएगा वहाँ k आने दें, अपने आप इसे सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन एक नंबर का इस तरीके से आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होता है। बाकी आप ये क्वेश्चन कीजिए, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन आता है और सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले से ही दे रखा है तो x² + जो वो वैल्यू है सम ऑफ रूट्स की वो यहाँ लिख देनी है, (x) + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ लिख देना है, (0) कर देना, ये इक्वेशन बन जाएगी। और दो रूट्स दे रखे हो तो उन दोनों को प्लस कर देना है फिर x के साथ, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है या वैल्यू रख देनी है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दो रूट्स गिवन है या फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट गिवन है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं AP की तरफ। मेरा AP की जो वैल्यू होती है, nth टर्म का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, (an = a + n - 1 d). n क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्म होती है, कई बार ये निकालने को गिवन होगा, कोई एक चीज़ गायब कर देगा, एक दिया होगा d दिया होगा, (a₂ - a₁) करके आप d निकाल सकते हैं, तो लगातार टर्म्स को माइनस कर दीजिए आपस में, वो गैप आ जाएगा जो वो d होता है, और anth टर्म हो गई ये। फिर t जो होता है ये रहा, देखिए (an n - 1), यानी अगर मान लो थर्ड टर्म है मेरे पे तो उसमें से सेकंड माइनस कर दूंगा, फोर्थ है तो उसमें से 3 माइनस कर दूंगा, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। एक होता है l, an को कई बार l भी बोलते हैं, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो (a + n - 1 d) सेम कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म का मतलब है उस पहले an निकाल लो, जो भी ap गिवन है उससे an आएगा, फिर आपको मान लो पीछे से -11वीं टर्म निकालनी है तो उस टर्म का नाम दे देंगे n, और जो n टर्म है उसका नाम दे देंगे k। मान लो an जो आया हमारे पास आई 50 टर्म, तो 50 - 11 + 1 कर देंगे, तो वो जो टर्म आएगी वही हमारी nth टर्म फ्रॉम द एंड होगी। फिर आते हैं सम वाले क्वेश्चन में, इफ sn, sn का मतलब है वही ap सीरीज दी होगी, an अगर आपको निकालना है sn - 1 करके निकाल सकते हो nth टर्म, इसमें से कोई भी टर्म निकालनी हो (a₂, a₃). एक होता है sn डायरेक्ट के सम निकालने हैं 25 टर्म का, a दे रखा है, ap दे रखा है, तो a निकालो और d निकालो, और सीधा जो भी दे रखा है n, s₂₅ जो भी है, मान लो 25 टर्म का सम है तो (n/2 + 2a + n - 1 d) कर देना है, sn आपका आ जाएगा। इन केस आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो सीधा फॉर्मूला लगाएं, (n/2 a + l)
एल मतलब लास्ट टर्म, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, तो आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको इजी रहेगा, ये बोर्ड्स में आपको हेल्प करेगी। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा रिलेटेड है फंडा के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट, जो भी हम निकालना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, उसका नीचे डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये आ रहा है काफ़ी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट, नॉट वाले को बार लगा देते हैं तो इज इक्वल टू वन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे उनने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.4, नॉट विनिंग निकालो, तो इसको रहने देंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा वन में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग दे रखी है तो पूछेगा विनिंग बताइए, जैसे 0.5, तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा इधर जाके, ये यहीं रह जाएगा। तो इसे ई को इवेंट कहते हैं, ये नॉट इवेंट का सिंबल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट इस तरीके से आप कर सकते हो। पीछे की जो आवाज़ें हैं ये चलती रहती हैं कुछ ना कुछ, इसको इग्नोर करें, अपना क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है पेपर में, एमसीक्यू में, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होगी हमेशा, 0 से छोटी नहीं होगी, माइनस में कभी नहीं आएगी, 0 के इक्वल हो सकती है क्योंकि कोई इवेंट है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगी। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस में पूछ रहा है कि 7 आए, 7 होता ही नहीं तो 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहता है मैक्सिमम 1 आ सकती है, बस 0 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। बाकी किंग वगैरह जो केसेस हैं इसके, वो मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, तो वो तो सेम आपने कर भी रखा होगा तो इसकी वीडियो भी आने वाली है। अब चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका स्टैट्स में आ गए, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट में। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक फार्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी आपको निकालनी है, या फिर आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड माई प्लस 2 मीन। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे, स्टैट्स के क्वेश्चन, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड आ जाए तब भी आपको यही लिख के आ जाना है। नाउ अब नेक्स्ट एम, एम इज़ द मीडियन का क्वेश्चन आता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच, ये एक फॉर्मेट है, एन बाई टू निकालना है, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे मैच कर देनी है, फिर उसी से आपके आंसर्स आएंगे। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैथ्स की स्टैट्स से रिलेटेड आगे की वीडियो आने वाली हैं। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को भेज दीजिए, कज़न्स वगैरह को जो 9th में आने वाले हैं, 10th में आने वाले हैं, काम आएगी सबके। जेड मोड, मोड को बोलते हैं जेड, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस टू अपॉन में आएगा 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इन टू एच, ये भी एक फॉर्मूला है, ये इसे भी आप मोड निकाल सकते हैं। छोटी क्लास में हम लिखते थे कि जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वही मोड होता है, लेकिन इसमें ये फार्मूला है, ये मोड का नॉर्मल फार्मूला जो 10th क्लास में यूज़ होता है, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो अभी आप देख सकते हैं। और अब आते हैं मीन निकालने का फार्मूला, मीन को बोलते हैं एक्स बार। 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड जो हम करते थे एफ़ इन टू एक्स अपॉन एफ वाला, टेबल इसी के हिसाब से बनेगी। एक होता था स्टेप एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मतलब एक एक्स में से एक नंबर को ए मानते थे, फिर उसका डेविएशन निकालते थे, डी एफ इन टू डी हो जाता था कॉलम मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बनता था ए प्लस एफ डी अपॉन एफ सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, डी होता है एक्स माइनस ए। फिर एक आता है इससे भी आगे का जो स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है एस डी एम, ए प्लस एफ यू हो जाता है, डेविएशन से भी अगला जो होता है वो यू हो जाता है, ये होता है डी, तो इसको बोलते हैं यू, u इज़ x माइनस ए, जो डेविएशन निकले उसको गैप यानी क्लास इंटरवल का जो गैप है उससे डिवाइड करते जाएं, d अपॉन h भी बोल सकते हैं, तो u बन जाएगा। फिर f इंटू यू को मल्टीप्लाई करना होता है, टेबल बन जाएगी बुक में आप देख सकते हैं, तो a प्लस एफ यू अपॉन f, तो जो भी मेथड आपको इजी लगे या पेपर में बोले उसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, बाकी फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सजेशंस हैं तो दीजिए, बाकी मैं वीडियो डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बींग ए पार्ट ऑफ दिस चैनल, गुड लक, गेट गुड मार्क्स। और भी सब्जेक्ट्स की और भी टॉपिक्स की वीडियो हैं इसमें, साइंस एस एस टी वगैरह और भी आने वाला है काफ़ी कुछ, तो इसमें शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन वेलकम।